फिलहाल ऑटो में मिल गया हमको, सीधा चलते हैं स्टेशन। कई बार थोड़ा लेट ना हो जाओ, मैं बोलता रहा हूँ, मुझे छोड़ने आ रहे हैं शिवशांत मस्तानी भाई हमारे। हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आज हम नजीबाबाद पे निकल चुके हैं। फिलहाल 10 दिन के टूर के बाद हम लोग पहुंच गए हैं बैक टू कमेलियन, बैक टू होम, बैक टू नजीबाबाद। ट्रेन का टाइम है 9:40 का। आई थिंक एक या दो दिन बाद हम अपनी देहरादून की सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ऐसे जीत। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। और एक दो दिन से गाइस व्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि गाइस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इस वजह से मैं कहीं नहीं जा पाया। और फिलहाल का सीन गाइस ऐसा है, आज हमारा हो चुका है सामान पैक और आज हम जा रहे हैं बैक टू बमेलियन। ओ मतलब कि आज हम जा रहे हैं नजीबाबाद, नजीबाबाद घर वापस जाना है आज हमको। और उसके बाद आई थिंक एक या दो दिन बाद हम अपनी देहरादून की सीरीज स्टार्ट कर देंगे, वहाँ हम जाएंगे घूमेंगे अच्छे से। बरेली में एक्चुअली पता है दिक्कत क्या हुई, मेरे को यहाँ भी अच्छे से ट्रैवल करना था, बट अनफॉर्चुनेटली बरेली में थी दो शादियाँ, सो किसी को यहाँ पर टाइम नहीं मिल पाया और मेरे को भी इतनी नॉलेज है नहीं बरेली के बारे में। सो अब सब लोग चले गए, किसी को टाइम नहीं था। अब बोल रहे हैं सब कि भैया वगैरह जितने भी हैं यहाँ पर, तो वो बोल रहे हैं कि अब रुक जाओ, तो अब मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि देहरादून भी जाना है। सो अब मैं अगली बार आऊँगा, अगली बार एक पैटर्न से चलेंगे हम, बिल्कुल हिसाब से, उस हिसाब से हम जाएंगे हर जगह। और देहरादून भी मैं ऐसे ही जाऊँगा, मतलब अच्छे से पहले देखना है इस दिन कहाँ जाना है, इस दिन कहाँ, मतलब पूरा कवर करना है, मतलब जितनी भी जगह हम कवर करें ना, जितनी भी जगह हमको जाना है उतनी जगह हम जाएंगे, ठीक है। तो वैसे फिलहाल मैं रेडी होता हूँ, कुर्ता पजामा पहनूंगा ब्लैक वाला, देखते हैं कैसा लगता है और मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद। बस फिलहाल हम निकल गए यहाँ से और मुझे लग रहा है ट्रेन में छूट जाए क्योंकि लेट हो गए हम, बस एक दो स्टेशन पहले ही है ट्रेन, जल्दी चलते हैं, मुझे छोड़ने आ रहे हैं शिवशांत मस्तानी भाई हमारे, और फिर चलते हैं सीधा आपसे ऑटो। हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आज हम नजीबाबाद पे निकल चुके हैं, चलना तो दूरी चल रहे भाई, चल फिलहाल ऑटो में मिल गया हमको, सीधा चलते हैं स्टेशन। कई बार थोड़ा लेट ना हो जाओ, मैं बोलता रहा हूँ, जल्दी से भी जल्दी पहुँचा दो, बाकी देखते हैं जैसे भी होते चलते हैं स्टेशन। फिलहाल तो बहुत लगता है अपना, लाइन भी लग रही है यार यहाँ पर लगी। फिलहाल गाइस टिकट मिल गया हमको, तो है चलो पहुंच गया हमारे प्लेटफॉर्म पे और अब थोड़ी देर में आने वाली है यहाँ पे, तभी ट्रेन का इंतजार करते हैं, फिर मिलता है आज। ट्रेन का टाइम है 9:40 का और अभी घर पे किसी को नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ, तो घर वालों को सरप्राइज देते हैं। मैंने बुआ से भी मना कर दिया था कि किसी को मत बताना कि मैं आ रहा हूँ। अभी तो ट्रेन आने वाली, 9:32 का टाइम है, तो 12:00 तक हम नजीबाबाद पहुँच जाएंगे। वैसे ट्रेन कभी दिक्कत तो नहीं देती, बाकी इंतजार करते हैं और जब ट्रेन आती है फिर मिलते हैं। वैसे आपसे हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है गाइस, ठीक है, आने वाली ट्रेन का फाइनल भाई अंदर तो पहुंच गए ट्रेन के। भाई जहाँ भी एक सीट है टॉप है, हाँ यहाँ बैठ जाएंगे भाई जी, थोड़ा उधर हो जाओ, एक सीट अपने को सीट मिल गई और सुशांत को बाय करने का टाइम आ गया, ठीक है सर, मिलते हैं फिर बाद में।
बाद हम लोग पहुंच गए बैक टू पमेलियन, बैक टू होम, बैक टू नजीराबाद। और रास्ते में मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, सर से नेमेटिक लिए तो आप चेक कर लेना, कर लिए होंगे अब तक तो। सो इसी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी सेफ।